बीच में दो बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वही रहेंगे। सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं है। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली में जदयू कार्यालय पहुंचे। उनके यहां पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिला। कार्यकर्ता नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनको भारत रत्न मिलने पर उन्होंने बधाई दी। नीतीश कुमार ने आडवाणी को शॉल भी गिफ्ट किया। बता दें कि नीतीश कुमार 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच फ्लो टेस्ट को लेकर भी चर्चाएं हुई है। वहीं आपको बताते चले कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने एक बयान भी दिया है, और वह बयान क्या है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल जो काफी चर्चा में बयान है वह नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी और जेडीयू 1995 से एक साथ थे, बीच में दो बार इधर उधर जरूर हो गए, लेकिन अब फिर वही रहेंगे, अब हम इधर उधर नहीं होंगे। देखिए इस रिपोर्ट में इसके आगे क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान। जब हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात बात हुई थी, ये बात हो गई थी, सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। पर अब आपको इतना बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से साथ में थे, अब बीच में दो बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। अब बीजेपी जेडीयू के बीच में सब कुछ सही है सर, दोनों पार्टियों के बीच में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी कुछ बात सब कुछ सही हो गया। 2019 का ही फॉर्मूला रहेगा सर, 2019 चलिए सब बात में बताएंगे, सीट बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना। सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, वो तो सब होगी ही, और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं। तो फिलहाल बिहार की सियासत से बड़ी खबरें यहीं तक थी। ऐसे ही रिपोर्ट के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और आप हमारे चैनल रब्सी लाइव पर पहली बार आए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक अपडेट रब्सी लाइव के माध्यम से सबसे पहले मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.